यहाँ पर आँख बनाया नहीं गया है, देखिए इसका जुबान भी अच्छा से फिनिशिंग नहीं किया गया है, देखिए क्योंकि इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। पूछे तो बोला कि यहाँ पर बहुत दिनों से ये पत्थर का काम चल रहा है और मंदिर तो फिलहाल अभी बंद है, तो उधर से हम लोग घूम करके आते हैं जहाँ पर मौसा बोल रहे थे कि और एक जगह है वहाँ पर पत्थर का मूर्ति बनता है। ये पत्थर जहाँ से आता है और हम लोग जहाँ पर भी देखते हैं पत्थर का मूर्ति आता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मूर्ति आता कहाँ से और मूर्ति बनता कैसे है। तो हम लोग यहाँ आने के बाद मालूम चला कि दोस्तों देखिए कितना अच्छा अच्छा मूर्ति है। तो गाइस मैं वो जगह आ चुका हूँ जहाँ पर पत्थर को कटिंग कर करके एक से एक मूर्ति बनाया जा रहा है। एक से एक शंकर भगवान का मूर्ति है, काली माँ का मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है। तो आइए आपको मैं कारीगर लोगों ने अपना काम में जुटे हुए हैं। तो पहले आप यहाँ का मूर्ति देख लीजिए, आपका भी दिल खुश हो जाएगा क्योंकि और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा चट्टान को तोड़ते हुए अपना मूर्तिकार अपना मूर्ति बना रहे हैं। और एग्जांपल के लिए आप दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल अभी उनका काम ही कर रहे थे, ये लग रहा है कि अपना डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मूर्ति बना रहे थे, उनको पूछेंगे। रघुनाथ मुर्मू एक किसका मूर्ति भैया? रघुनाथ मुर्मू। हाँ बोल रहे हैं रघुनाथ मुर्मू का काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? 20 साल हो गया। तो ये मूर्ति जितना होता है क्या ऑल इंडिया पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं क्या? सत्र देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे अगर हम फोन नंबर लेकर के जाएंगे और आपसे अगर कोई ऐसे डिलीवरी के लिए अगर बोलेंगे तो आप डिलीवरी दे सकते हैं क्या? बड़ा बड़ा धन्यवाद डिलीवरी। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर संबलपुर राउरकेला सुंदरगढ़ के लिए भी दे सकते हैं क्या? तो देखे भैया से बातचीत करने के लिए अच्छा लगा मेरे को। तो अभी रघुनाथ मुर्मू का मूर्ति अभी बना ही रहे थे, उनको लग रहा है कि हम लोग डिस्टर्ब कर दिए। और फिलहाल देखिए एक से एक मूर्ति है और यहाँ पर देखिए माँ तारिणी का अभी कंप्लीट करने में इसको टाइम लगेगा, काला पत्थर का है। तो इसमें तो भैया पेंट तो नहीं मारे हैं ना? नहीं, पेंट नहीं मारे हैं ना? पॉलिश मारा, पॉलिश कर दिया। मतलब गारंटर से पॉलिश किए हैं क्या? नहीं, पत्थर को खाली पेपर मार मार के पॉलिश किए हैं। अरे बाप रे क्या कलाकारी है। तो ये पत्थर जो आता है भैया कहाँ से आता है पत्थर सर? क्या क्या यहाँ का मालिक का नाम है लक्ष्मी नारायण जी। तो आप अगर ऑर्डर लेना चाहेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन पर यहाँ का लिंक दे दूंगा मैं, और आपको फ्री डिलीवरी जहाँ तक भी रहेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ का मूर्ति। क्योंकि यहाँ पर मैं आया रिसर्च किया, यहाँ पर देखिए तिरुपति बालाजी का मूर्ति भी है, एक से एक मूर्ति है कि जो कि आपका मन भरेगा नहीं दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ऐसे यूनिक कॉन्टेंट लाते रहते हैं, बस हमें इसी तरह का प्यार देते रहे ताकि आपके सामने में हम अच्छा अच्छा वीडियो इसी तरह लाने का कोशिश करते रहेंगे। तो और एक मूर्ति देखिए दोस्तों, यहाँ शंकर जी का मूर्ति है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आइए मैं आपको पत्थर का
चट्टान दिखाऊंगा जो कि वो लोगों का काम चालू है। और कहां से शुरू करूं, कहां से ख़त्म करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा बेहतरीन मूर्ति है। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर काली माँ का मूर्ति है। अभी उनका मिस्त्री लग रहा है, काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सा पत्थर का बन रहा है। उस पत्थर को आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप आना भी चाहेंगे तो खिचिंग मंदिर आइएगा। खिचिंग मंदिर से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर का दूरी में पड़ेगा। जगह का नाम है केसना बोल के एक जगह है। किसी को भी पूछेंगे तो ये रास्ता का आपको एड्रेस मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग खोजते खोजते चले आए हैं। देखिए रोड के किनारे किनारे पर भी ऐसे पत्थर का लिंग बना करके अपना रख दिए है। कौन सा मूर्ति है भाई, कौन सा भगवान का है? काकटपुर मंगला। काकटपुर मंगला है, तो ये है काकटपुर मंगला माँ का मूर्ति बना रहे हैं। देखिए उनका जुगाड़, एक से एक जुगाड़ है। आपका नाम क्या है भाई? बुल्लू। क्या बुल्लू? महंतो। उमानतो। आप भी कितने सालों से काम कर रहे हैं मूर्ति वाला काम, पत्थर का? 15 से 16 साल हो गया। तो क्या सैलरी मिलता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक पत्थर का जितना मूर्ति बनाते हैं वो उसी हिसाब से पैसा मिलता है क्या? जैसे मान लीजिए मूर्ति का कितना प्राइस होगा? प्राइस होगा 18-20 हज़ार। तो आपको उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? तो बनाने में 10 दिन लगेगा। तो ये पत्थर सब आता है कहाँ से आता है? जो दो किलोमीटर और दूरी पर है, मतलब पत्थर का पहाड़ है सब है क्या? अंदर है। तो जितना भी पत्थर ला रहे हैं वही मट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं क्या? ऐसा क्या खास बात है जो वहाँ से मतलब ये पत्थर निकल रहे हैं? इसमें तो जो हमारा मंदिर है ना, खिचिंग का मंदिर, हाँ, जो इसी पत्थर में बना, मतलब खिचिंग मंदिर जो बना था वो मंदिर का यही पत्थर से ही निर्माण हुआ था। तो इसीलिए मतलब मान्यता है कि वही पत्थर से ही जितना ही मूर्ति बनेगा एक जगह में मिलता है, यही पत्थर, यही पत्थर मिलता है खिचिंग में ही, और दूसरा जगह नहीं मिलता। इसमें जो अष्ट धातु है ना, उसी के अंदर है। ओहो, अच्छा बोले। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि ये जो पत्थर देखने हैं अभी पूरा समझ में आ गया, ये पत्थर में अष्ट धातु का अंश है। इसीलिए यहाँ का खिचिंग मंदिर में माता का जो मंदिर है काला पत्थर का पूरा बना हुआ है। तो इसीलिए ये पत्थर निकल रहा है, जमीन के नीचे से निकल रहा है, मट्टी से निकल रहा है, कोई पहाड़ नहीं है। तो फिलहाल देखिए अभी भाई अपना बना रहे हैं, मंगला माँ का मूर्ति बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ का मूर्ति लेना चाहें तो मेरा चैनल पर आपको यहाँ का डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, और आप यहाँ से अगर लेना चाहेंगे तो मुझसे संपर्क करें। और यहाँ पर एक देखिए ये है, लग रहा है बगला मुखी है ना, ये शनिदेव का मूर्ति है। जय शनिदेव, हर इंसान का मनोकामना पूरी करे। एक से एक मूर्ति है दोस्तों, एक से कलाकारी है। अभी फिनिशिंग टच देना बाकी है। देखिए ये सब पत्थर जितना दिख रहा है सब अष्ट धातु का पत्थर है। आप इसे पत्थर को भी लेकर के अपना घर में पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं दिखाया कैसा लगा मेरा वीडियो के माध्यम से, पूरा ओरिजिनल ये है, अष्ट धातु का मूर्ति है।